नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, दुबई से रिलेटेड ये बड़ी अपडेट मैं मान सकता हूं, हो सकता है आप तो नहीं माने। 12 लड़कियों को रेस्क्यू करके एक तरह से इंडिया भेजा गया। जी हाँ, हालांकि एक वीडियो मैंने पहले बताया था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनमें भी एक आंकड़ा 12 का ही था, इसमें भी आंकड़ा 12 का ही है, लेकिन ये लड़कियां पंजाब की थी, वो लड़कियां हैदराबाद की थी। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे क्यों फंस जाती हैं लड़कियां, हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इन फर्जी एजेंटों के चक्कर में आओगे तो फंसोगे, नो डाउट। इसीलिए हमेशा बोलता हूं, हमेशा मैन पावर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेश मंत्रालय द्वारा जो लाइसेंस होता है उन्हीं के द्वारा अप्लाई करें, ताकि उनकी 200% उनकी जिम्मेदारी होती है। कल को आपके साथ कोई दिक्कत आती है तो क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड उनके द्वारा इंडियन एम्बेसी के अंदर से होके निकलते हो आप, तरह इस तरह से समझ लीजिए। जी हाँ, तो मैं बता दूं, इंडिया की 12 लड़कियां, जो बता दूं 3 लड़कियां बिहार की कलकत्ता की साइड की थी, 9 लड़कियां पंजाब साइड की थी, जो एजेंटों के चक्कर में आके मान लो या फिर कैसे भी अपनी आर्थिक तंगी को ठीक करने के लिए मजबूरी में विदेश में जाके नौकरी करना कोई छोटी बात नहीं होती भाई। इंडिया में भी नौकरी करती हैं लड़कियां, लेकिन एक विदेश कईयों का सपना होता है, कईयों की आर्थिक तंगी होती है, मजबूरी होती है, माँ बाप भी दिल पे पत्थर रख के आप सबको भेजते ही है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मुझे नहीं लगता कोई फर्क है, लेकिन लड़कियों की माँ बात आ जाती है तो थोड़ा सा मैटर इमोशनल टाइप का हो जाता है। 12 लड़कियां दुबई में फंस गई। जी हाँ, दुबई में शायद रसल खेमा इस तरह से कुछ एक दो जगह और थी, शायद में दुबई की बात नहीं है, ये यूएई की बात कर रहा हूं। 12 लड़कियां वहां अलग अलग जगह फंस गई थी, फिर उनको कैसे उनको सूचना मिली, क्या हुआ, वो तो एक अलग अंदरूनी मैटर है, लेकिन इनको वापस सुरक्षित इंडिया भेज दिया गया। जी हाँ, भेजने वाले मैं बता दूं कौन थे, मैं बता दूं स्पेशल धन्यवाद उनको दिया गया, बाकायदा बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, सरबत का भला चैरिटेबल है, चैरिटी जिनको बोल सकते हैं सरबत का भला। जी हाँ, उनके ट्रस्ट के चीफ हैं एएसपी सिंह। जी हाँ, उनकी बड़ी भूमिका रही, उनका बड़ा धन्यवाद उनकी परिवार के द्वारा भी दिया गया, ये कि भाई हमारे बच्चियों को एहसान मंद रहेंगे कि आपने लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए। ये नहीं भाई, ये सहयोग का क्या मतलब होता है, सहायता में पैसा भी लगता है, इस बात का नोट करना। यूएई जैसी कंट्री में अगर आप इंडिया से बाहर फंस जाते हो तो बिना पैसे के कदम कदम पे पैसा लगता है, बिना पैसे के आप नहीं आ सकते। लाखों रुपए 12-13 लड़कियों को निकालने के लिए लाखों रुपए उन्होंने अपनी जेब से खर्च किए, चैरिटेबल जो उनकी संस्था है उनकी ट्रस्ट की तरफ से उनको खर्च करके इंडिया भेजा गया। जी हाँ, 3 लड़कियां बिहार और कोलकाता की थी, बाकी 9 लड़कियां थी वो पंजाब की थी। जी हाँ, उनको घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, घर वालों ने बाकायदा उनको धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से हमें दिल पे पत्थर रखे इनको भेजना पड़ा, हमें नहीं पता था कि हमारी जो स्थिति है उससे बेहतर हमारी स्थिति हो जाएगी। जी हाँ, इसका उन्होंने एक ही बात बोली कि ये फर्जी एजेंट है, जो चीफ साहब एएसपी सिंह है उन्होंने भी ये अपने बयान में बताया कि भाई ये आप जो लोग आते हो हर किसी को पासपोर्ट देके फर्जी एजेंटों के चुंगल में फंस जाते हो, क्योंकि इसका मैं मेरी तरफ से 2 शब्द में जोड़ देता हूं कि एक आदमी बोलता है भाई मेरे पास तो नॉर्मल काम है, 1000 तनख्वाह मिलेगी, 1000 दराम, 50-60-70 हजार रुपए लगेगा। एक तरफ कोई आदमी बैठा है ऑफिस डाल के, वो भी ऑफिस डाल के बैठा है, एक तरफ बोलता है आ जाओ जी 1500 रुपए में सिल्ली में लगवाता हूँ, 40,000 दे देना, 35,000 में काम करवा दूंगा। 100% दिल पे आप यकीन मानिए आप उसकी तरफ झुकोगे जो 1500 सैलरी दे रहा है 35,000 में काम करवा रहा है, उस तरफ आप उसको गलत बोलोगे जो आपसे 70,000 ले रहा है, 60,000 ले रहा है, 1000 तनख्वाह दे रहा है, वो मैन पावर सर्विस होल्डर है, ये फर्जी एजेंट है। और फर्जी एजेंटों के चक्कर में सबसे ज्यादा आए दिन मुझे लगता है हजारों की संख्या में इंडिया में लोग ठगे जाते हैं, आप जैसे लोग ठगे जाते हो आराम से, और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ता उनका है जिनकी इज्जत होती है, वो तो ऑफिस शटर डाल के दूसरी जगह डाल लेंगे, उनका क्या है, कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हमेशा इंडिया में कितने मैन पावर है यार, मात्र 1700-1800 मैन पावर है पूरी इंडिया में, लाइसेंस होल्डर इतने ही है, बाकी आपको पूरी इंडिया में लाखों एजेंट मिल जाएंगे जो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी औकात नहीं एक लाइसेंस लेने की, आपको विदेश में जॉब लगवा देते हैं, सोचने की बात है ना, कहीं ना कहीं मरते कौन, अपनी गलती, मैं तो ये मानता हूं भाई भेजने वाले से गलती ज्यादा हमारी गलती होती है, क्योंकि हम उनके लालच में आ जाते हैं। मेरे सीकर में मैंने एक वीडियो बनाया था, दुबई रहने वाला मेरे सीकर का लोकल आदमी, उस बेवकूफ इंसान ने 50 लगभग 25 लोगों से 50 लाख रुपए के करीब इस तरह से कुछ ठगी की थी, 1500 दराम सैलरी, सॉरी 2000 दराम सैलरी
और मॉल में जॉब 70,000 रुपए लगेंगे, आराम से लोगों ने दे दिया। जबकि मेरे यहाँ पे जो लोग रहते हैं सबको पता है कि दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत में 1,000-1,200 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। हमारे जो लोग रहते हैं ना, 99% लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, लेकिन उनको लालच दिया गया ना, तभी तो वो पैसा लेके फरार हो गया। पुलिस ने फिर उसका लुकआउट जारी करके उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी किया, पैसे थोड़ी दे देगा वो, क्यों देगा पैसे? मुकदमा हो गया, अगला 2 महीना जेल काट के बाहर आ जाएगा, 25-30 लाख जो भी है खा गया, केस चलता रहेगा 5 साल 7 साल, क्या है? इंडिया में तो वैसे ही पेंडेंसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है केसों की, 20 लाख से ऊपर तो चेकों के मामले पड़े इंडिया के अंदर। तो भाई इन बाद में चक्कर, पहले भी फंसोगे, फिर पैसा खर्च करोगे, फिर एजेंट के चक्कर में फंसोगे, मैं ये कर दूं, कुछ नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया कि पहले से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि इस स्थिति तक आपको पहुंचने की नौबत ना आए। बस ये अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।